काशी में केवल शरीर छोड़ दीजिए, मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। बाकी जगह प्रमाण पत्र साथ रखने पड़ते हैं, पाठ कितने किए, भजन कितने किए, माता पिता की सेवा कितनी की, गौ सेवा कितनी की, परोपकार कितना किया, धर्म पालन कितना किया, दान पुण्य कितना किया, तीर्थाटन कितना किया, चार धाम कितनी बार किए, गंगा स्नान कितना हुआ, एकादशी व्रत का, बहुत सारी लिस्ट हैं वहाँ वो करने के लिए, एनओसी देने के लिए, बहुत सारी छोटी बहुत सारी। काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी एनओसी की कोई जरूरत नहीं, केवल आपने काशी में शरीर छोड़ा, काशी मुक्ति की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भजन की भूमि है, श्री वृंदावन रस की रास की भूमि है, नाचिए गाइए कीर्तन करिए, ये यहाँ की भूमि है। और बढ़िया बिहारी जी के बाहर गोलगप्पे खाइए, आलू की टिक्की खाइए, लस्सी पीजिए, उसी से भगवान मिल जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये रस की भूमि है। यहाँ तो केवल चारों रस ही रस बरस रहा है। तो काशी में शंकर जी का एक काम है, जो भी काशी का एक नियम है, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य काशी मरत जंतु अवलोकी। शंकर जी कई कई गलियों में वो घूमा करते हैं, कौन मरा, कौवा मरा, गधा मरा, कुत्ता मरा, गाय गई, साधु मरा, गृहस्थी मरा, पापी मरा, पुण्यात्मा मरा। शंकर जी का यही काम है, जिन गलियों में नहीं जा पाते कई बार और ज़्यादा लोग हो जाते तो गण बताते हैं कि महाराज वहाँ 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 और है, उधर उधर हम देख कर आए। काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करऊं विशो की, ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है, अभी हमारा तो अनुभव नहीं है कि जो भी प्राण छोड़ता है काशी में उसका दाहिनाकार ऊपर रहता है। हमने देखा है मुर्दा जब लेटता है तो या तो ऐसे रहता है तो या तो ऐसे रहता है, लेकिन काशी की विशेषता ये है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है और पृथ्वी पर गिरता है तो या लेटाया जाता है तो उसका दाहिना कान ऊपर रहता है। शंकर जी उस दाहिने कान में राम मंत्र बोलते हैं और वो सीधा वैकुंठ जाता है, मोक्ष होता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं यही किया करता हूं, जास नाम बल करऊं विशो की। और सबको काशी की विशेषता है, न वहां कोई पुण्यात्मा है, न वहां कोई पापात्मा है, वहां सब भगवान शिव के रिश्तेदार हैं, उनके प्रियजन हैं, उनके परिकर हैं, वो कैसा भी है भगवान शिव उसको मुक्त करते हैं। बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी होगी जरूर, एक बार मार्कंडेय ऋषि, आपने नाम सुना होगा मार्कंडेय ऋषि, तो मार्कंडेय है ना यहाँ पानीपत से करनाल से आगे है ना मार्कंडेय, वहाँ उनका है तपस्थली है वहाँ उनकी मार्कंडेय, कुछ और आगे नाम लगता है उसका। 5 वर्ष की अवस्था से ही ये भगवान शिव की सेवा में आ गए थे वैराग्य। दशाश्वमेध घाट पर एक बार स्नान कर रहे थे तो इनकी पश्चिम की ओर थोड़ी दूरी पर एक वैश्या स्नान कर रही थी, तो स्वाभाविक था गंगा तो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो उसके नहाने का जो जल था वो इनकी ओर आ रहा था, तो इसने देखा वैश्या ये तो नृत्यांगना है, तो इस जानते हैं, उसके कहा रहे तुझको इतना भी विवेक नहीं है, मैं इधर स्नान कर रहा हूं और तू इधर स्नान कर रही है, तेरे स्नान का जल मेरी ओर आ रहा है, अरे इधर कर ना, क्यों कर लो, गंगा किसकी है, गंगा सबकी है, गंगा माँ है और माँ के पास कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, कभी भी बैठ सकता है, तू तू मैं हुई, काफी झगड़ा हुआ। तो जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो वैश्या ने कहा बाबा ज्यादा अकड़ धकड़ मत दिखाओ, यहां का नियम है काशी का, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, यहाँ कोई अलग अलग नहीं जाता है, एक ही घर में जाते हैं यहाँ से सब। अच्छा, यानी वैश्या भी वहीं जाएगी और तपस्वी भी वहीं जाएगा। बोले हाँ बाबा, काशी काशी की तो विशेषता है, चूंकि शिव उनको समगति देते हैं, विषम तो है ही नहीं, वो इतने गुस्से में आ गए, साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, हो सकता है प्रभु की लीला रही हो, समेटा अपना सामान
और क्रोध में चल दे, बोले ऐसी काशी में हम नहीं रहेंगे, जा धर्मात्मा भी, जा भजनानंदी भी, और जो नृत्यांगना भी, वैश्या भी, पापाचारी भी, पुण्यात्मा, सब एक ही सबधान सत्ताई, क्या है वो सबधान सत्ताईस, क्या है, है? हाँ, तू सब एक तराजू में तो ले जाएंगे, चल दिए। अब शिव को बड़ा कष्ट हुआ, शिव को आसन हिला, क्या हुआ? तो गंगा का वो सारा दृश्य दिखाई दे गया, और शिव को लगा, अरे मार्कंड जैसे महात्मा, इतने तपस्वी संत अगर काशी छोड़कर चले जाएंगे, ये तो ठीक बात नहीं। तो प्रभु दौड़े, शिव दौड़े मार्कंडे जी को रोकने के लिए, ये तो बड़ी तेज, उससे मैंने चाल बहुत तेज होती है, आपने देखो जिनसे चला भी नहीं जाता वो भी तेज चलते हैं, ठम ठम ऐसे चलते, तो चले जा रहे थे। तो शिव ने ब्राह्मण वेश धारण किया, अरे बाबा रुको, अरे स्वामी जी रुको, अरे महाराज रुको, रुको रुको, अरे सुनो तो सही, अरे बाबा सुनो सुनो, रुको, बोले नहीं, अरे मैं कह रहा हूं, अरे तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब काशी की सीमा के अंदर किसी से बात नहीं करूंगा, बात करनी है काशी के बाहर, आओ ऐसी काशी से क्या लेना देना जहां सभी एक साथ तो ले जाएंगे। और चलते चलते काशी की सीमा पर पहुंच गए, तो ब्राह्मण देवता के रूप में जो भगवान शिव थे उन्होंने और जल्दी जल्दी चल के रोक लिया, अरे रुको अब तो काशी की सीमा आ गई ना, हाँ अब बोलो क्या है, क्यों जा रहे हो? बोले ऐसी काशी में नहीं रहेंगे, जहां तपस्वी भी और जहां वैश्या भी एक एक तराजू में तो ले जाए। तो ब्राह्मण वेश में शिव ने कहा, बाबा नाराज मत होइए, ये काशी की कुछ महिमा है। इतने में क्या हुआ, दो घसहिरन आ रही थी सामने से, घास खोद कर ला रही थी, एक की गठरी में हरी हरी और सूखी मिली जुली घास थी, एक की थोड़ी ज्यादा सूखी थी, जो घोड़े होते ना कई बार सूखी घास को ज्यादा अच्छा चबाते, तो तांगे वाले की पत्नी रही होगी जो भी, दो गठरी। तो इन ब्राह्मण देव शिव ने उनसे वो दो दो पैसे चार चार जो भी समय की कीमत होगी वो घास के गठरे खरीद लिए और दोनों घास के उनको जलाया, तो जो सूखी घास थी वो तो भरर भरर जलने लगी, और जो गीली थी वो जल रही थी लेकिन धुआं बहुत दे रही थी, गीली थी ना। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, शिव तो थे ही वो, कि महाराज अब ये बताइए, सामने आपने जलती हुई घास देखी, कैसे जली? बोले एक पूरी जल गई, राख हो गई, एक अध जली है, धुआं दे रही है। तब उन्होंने कहा कि देखो काशी सबको मुक्त करती है, जो पुण्यात्मा होते हैं वो तो सूखी घास की तरह तत्काल जले, छोड़ा शरीर और सीधे मुक्त होते हैं, लेकिन जो पापाचारी, जिनके कुछ पाप और कर्म शेष रहते हैं, उनकी भैरवी यातना होती है, उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सारे कष्टों को सहन करके जब मृत्यु होगी तो जाते वो भी वहीं उसी लोक में है, लेकिन थोड़ी देर लगती है, जो पुण्यात्मा होते हैं आप जैसे वो तत्काल शरीर छूटा और वहां जाते। तो मार्कंडेय ऋषि का माथा ठनका, इतना गहरा तत्व ज्ञान इतनी सरल भाषा में देने वाला ये है कौन, कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। इतना चिंतन किया ही था तो भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले बाबा काशी मत छोड़ो, आप यही कुटिया बनाओ, और आप में से काशी जो गए होंगे, काशी की सीमा पर है मार्कंडेय महादेव का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध, लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, कभी काशी जाने का अवसर मिले तो वो। तो ये भगवान शिव का काम है, तुम पुण्यात्मा पापात्मा कैसे भी हो, मेरी शरण में आ गए, काशी आ गए, तो फिर मैं तुमको मुक्त ही करूँ। ऐसा भगवान श्री राम का पावन नाम, ऐसा पावन नाम। भगवान शिव ने इसी नाम की ताकत से कालकूट फल दीन अमी को कितना भयानक विष पान किया, आपने ये घटना सुनी है। देवासुर संग्राम होने वाला था, तो भगवान जानते थे कि देवता कमजोर हैं और दानव बहुत ताकतवर हैं और इनको परास्त कर देंगे, क्या किया जाए। लीला हुई, कहा कि देवताओं को अमृत पिला दिया जाए, अमृत समुद्र के गर्भ में, अमृत समुद्र के गर्भ में। तो भगवान ने देवता दानव दोनों को बुलाया, बोले देखो भाई ब्रह्मा जी क्या दोनों ही संतान हो और हम कोई भेदभाव नहीं करते,
दोनों को अमृत पिलाएंगे तो दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो। देवता भी राजी हो गए और दानव भी राजी हो गए। समुद्र मंथन की तैयारी हुई कि उसके गर्भ से अमृत निकलेगा, अमर हो जाएगा। लड़ते रहना, प्रेम से बने रहना, जब मित्रता हो जाए साथ रहना। तो समुद्र मंथन के लिए भद्रयाचल लाया गया, वासुकी नाग की वो नेति बनाई गई। और वो इतना भारी था भद्रयाचल के डटे नहीं, तो भगवान ने कक्षप अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसको धारण कराया और रई चली। हालांकि ये दानव मूर्ख होते, ताकतवर होते, मूर्ख थे। तो भगवान ने कहा कि तुम पूछ पकड़ लो, देवता मुंह की ओर हो जाएंगे। तो भाई हम पूछ की ओर जाएंगे, हैं हम तुम इनसे कम हैं, हम तो मुंह। अच्छा, भगवान यही चाहते थे कि तुम मुंह की ओर आओ, क्योंकि सांप की जो पूछ होती है वो शीतल होती है और मुंह तो विष से भरा हुआ है, तो आग उगलता है। तो जब वो मथानी वो रई चलाई, ऐसे पूरी नेति खींची गई, तो सांप की हड्डियां चरचर करें, क्रोध में आ गया तो इतना जहर फुफकारा, आधे दानव तो पहले ही मार दिए उसने। बोले लो मरो, बोले हम तो पूछ की ओर, बोले अब नहीं, अब पूछ खत्म तुम्हारी, हमने पहले ही पूछा था तुमसे, अब तुम्हारी पूछ खत्म। तो अमृत तो बहुत बाद में निकला, पहले भयानक विष निकला, भयानक विष। और ऐसा लगा कि विष ही सबको जला देगा, अमृत तो बाद में पीने को कोई बचेगा, मुझे लगता है नहीं बचेगा। सब देवता बोले ये तो मार डालेगा। तो भगवान के पास समाचार का, प्रभु अमृत तो बाद की बात है, पहले विष सबको जलाई दे रहा है, इससे बचाइए ना। तो भगवान ने कहा कोई एक जना पी लो, झंझट खत्म करो। बोले नहीं, हम तो अमृत ही पिएंगे। और जो विष पीने के लिए तैयार नहीं है वो अमृत पीने का भी अधिकारी नहीं होता। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों के उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसे।